टॉपिक के अंदर हम मूव ऑन कर रहे हैं और हम वन बाय वन ड्रा मेन्यू के अंदर से डिफरेंट कमांड्स को ऑपरेट करते आ रहे हैं और अब हम आर uh, कमांड की तरफ मूव कर रहे हैं कि हम कैड के अंदर आर कमांड को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं रन कैसे करते हैं डिफरेंट आर्क्स को ड्रा कैसे करते हैं और आर्क की इंपॉर्टेंस क्या है आर्क लगाते क्यों हैं हम तो uh, जब हम बात करते हैं किसी uh, क्योंकि अभी जो हम कमांड्स यूज कर रहे हैं ये हम अभी पार्ट्स में यूज़ कर रहे हैं एज अ होल हम आगे जाके इन सारे हिस्सों को ये जो हम एक एक ये एक हिस्सा है लाइन एक हिस्सा है पोलीगॉन एक हिस्सा है तो कुछ टाइम बाद कुछ टॉपिक्स बाद हम इन हिस्सों को जब जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद हम एक प्रॉपर किसी टॉपिक के, किसी प्रोजेक्ट की तरफ मूव करेंगे सपोज़ हम एक घर का नक्शा बना रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे कि किस पार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है वैसे सारे पार्ट पार्टियाँ हमें जिसने हमने लाइन की बात की तो आर्क भी एक बहुत बुनियादी और कोर हैसियत रखता है किसी भी कैड के प्रोजेक्ट के अंदर जैसे कि हम आर्क की बात करते हैं तो जब भी हम डोर्स डिज़ाइन करते हैं कैड के अंदर हाउस प्लान में सपोज हमारे पास तीन मरले का हमें घर की नक्शा बना रहे हैं तो उसके अंदर जब हम घरों को दरवाजों को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसमें आर्क का हम यूज़ करते हैं और उसमें हम आर्क का रेडियस भी रखते हैं कि ये जो दरवाज़ा है जिस तरह हमारे पास ये डिफरेंट डोर्स हमें नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर तो इसका जब पैनल की बात करते हैं जब हम ओपन करते हैं तो ये हम कितना कर्व रखें कितना रेडियस रखें कि हमारी आर्क बन जाए इसी तरह आजकल जो लेटेस्ट हमारे पास हमारी विंडोज़ आई हुई है, हैं खिड़कियाँ जिसको हम कहते हैं उसके भी टॉप के ऊपर हम आर्क का इस्तेमाल करते हैं जब हम स्कीम्स के अंदर आते हैं तो वहाँ पे जब हम राउंड अबाउट्स में आते हैं या जब हम हमने गाड़ियों के कर्व लेने होते हैं तो वहाँ पे भी हम आर्क को यूज़ करते हैं तो इन शॉर्ट आर्क बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कमांड है कैट के अंदर जिसको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट पर्पस अचीव कर सकते हैं तो फर्दर आइए बढ़ते हैं कैड की तरफ और हम देखते हैं कि इस कमांड को हम ऑटो कैड के अंदर किस तरह रन करते हैं और ऑपरेट करते हैं ये हमारे पास जिस ड्राइंग में हम वर्क कर रहे थे क्विक ओवरव्यू ऑफ कमांड्स तो हम यहाँ से एक नई ड्राइंग ओपन कर लेते हैं जैसे कि हमने कहा था कि हम आपको एक ड्राइंग ओपन करके दिखा भी देते हैं किस तरह जब हम आगे स्विच करते जाएंगे नई नई कमांड्स और नई नई चीज़ें हमने ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो किस तरह है? तो हमारे पास दो तीन तरीके हैं एक तो ये है कि हम इसको यहाँ पे कंट्रोल एस ये कंट्रोल एस का बटन जो है ये पैरेलल जो नज़र हमें आ रहा है हमारे स्क्रीन के ऊपर जब आप एक ड्राइंग में मूव कर रहे होंगे तो आपने साथ साथ प्रेस करते रहना है क्योंकि कंट्रोल एस से साथ साथ आपकी चीज़ें सेव होती रहेंगी तो हमारे पास एक मैथड तो ये है कि हम इस ड्राइंग को क्लोज़ करके और दोबारा जाके कैड को ओपन करने एक नए तरह से इस ऑप्शन को भी हम पिक कर सकते हैं जैसा कि ये हमने कंट्रोल एस का बटन प्रेस करके और इसको हम यहाँ से क्लोज करें और हम वापस अपने टॉप ये स्क्रीन में हम चले गए और यहाँ से हमने ये हमारे पास आइकॉन भी मौजूद है सपोज मैं अभी नई ड्राइंग यहाँ पे अगर हम ओपन करते हैं तो इस ड्राइंग का हम नाम भी बदल देते हैं तो ये ऑलरेडी हमारे पास कोई फाइल्स हैं जिसको ओपन करना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास ड्राइंग वन तो सबसे पहला काम हम फाइल में जाके इसको भी हम सेव एज करके और डी ड्राइव के अंदर जहाँ पे हमने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया है उस फोल्डर के अंदर हम इसको सेव कर लेते हैं तो अब इस तरह आपने ऑनवर्ड अपनी फाइल्स में इसी डेट के अंदर और हम इसका नाम रख देते हैं आर्क कमांड इन आटो कैड क्योंकि अब आर्क कमांड को हम यूज करने जा रहे हैं तो इस तरह ऑनवर्ड जब आपने भी अपनी ड्राइंग्स को सेव करना है तो कुछ इस तरह हम करेंगे तो इफ uh, रिमेंबर जब भी हमने ड्राइंग नई ड्राइंग ओपन करनी है मैं बार बार कुछ बातें रिपीट कर रहा हूँ रेपिटेशन इसलिए हो रही है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी डिवेलप हो जाए तो हमने यू जल्दी से हम यूनिट्स को भी सेट कर लेते हैं आर्किटेक्चरल या आप इंजीनियरिंग के अंदर और प्रोसीजन बाकी हम कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं करते तो ये हमारे पास एक जो है वो बेसिक नई ड्राइंग ओपन और हम फिलहाल यहाँ से ग्रिड को भी ऑफ कर देते हैं जिस तरह ऑन एंड ऑफ हमने करके देखा है तो अब यहाँ पे हम आर कमांड एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं पर्पज़ हमने बहुत सारे देखे हैं उसमें हाउस प्लान के अंदर हम स्टेयर्स में भी जब आपने स्पायरल स्टेयर्स की बात डिफरेंट देखी होगी वहाँ पे भी बाजुकात हम आर्क कमांड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिस तरह हमारे पास हर कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए मल्टीपल तरीक़ेकार हैं तीन चार तरीके हैं इसी तरह आर्क कमांड को ये करने के लिए भी हमारे पास तीन से चार मेथड मौजूद हैं मेनली तीन मैथड्स हम देख लेते हैं सबसे पहले तो हम सिंपलेस्ट जो मैथड हमारा है जो हम ड्रा से ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं आर्क और थ्री पॉइंट आर्क हम यह पर हम आर्क क्लिक करते हैं तो आर्क बहुत सारी टाइप्स हैं जो अभी हमने वन बाय वन करनी है स्टार्ट में हम थ्री पॉइंट आर्क और ये हमारे पास पहला पॉइंट कहीं पे भी आप दूसरा पॉइंट स्पेसिफाई करें और जहाँ पे आप तीसरा पॉइंट एंड करना चाह रहे हैं वो आपको हर पॉइंट के दरमियान फासला भी बता रहा है जिस तरह ये सिक्स इंचेज आ रहा है और एंगल भी बता रहा है जो कि थर्टी थ्री है आप इसको एंगल भी बढ़ा सकते हैं और डिस्टेंस भी तो ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट आर्क जो है वो डिज़ाइन हो चुकी है ये हमने कहाँ से की है अगेन फ्राम ड्राम्यू एंड देन फ्राम दिस आर्क अब सेकेंड मैथड की तरफ आ जाते हैं एंड दिस मैथड इज दिस वन जो हमारे पास आ, हमारे लेफ्ट साइड के अंदर जो शॉर्ट टूल्स मौजूद हैं मौजूद हैं वहाँ से सो so, आर्क जो है क्रिएट्स एंड क्रिएट्स एन आर्क यूजिंग थ्री पॉइंट्स तो नॉर्मली uh, जब हम आर्क की बात करते हैं तो थ्री पॉइंट आर्क जो है वो सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली आर्क है और यही ज़्यादा हम यूज़ करेंगे बट अगेन पर्पस पे डिपेंड करता है अगर पर्पस बाजू का हमारा डिफरेंट हो तो फिर हम ड्रा में हमारे पास फर्दर ऑप्शंस भी मौजूद हैं जिस तरह आगे हम सर्कल में मूव करेंगे तो सेंटर और रेडियस वाला सर्कल सबसे ज़्यादा यूज होता है लेकिन हमारे पास और ऑप्शंस भी होंगे डायमीटर को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये हम आर्क की ऑप्शन को यहाँ से क्लिक करके पिक करते हैं और अब हम यहाँ पे थ्री पॉइंट आर्क एग्जैक्टली वही स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क यहाँ पे भी आप स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे स्पेसिफाई करें अब आपने देना है सेकेंड पॉइंट आप चाहें तो इसकी डायमेंशन ख़ुद से दे सकते हैं चाहें तो आप खुद से जिस तरह मैनुअली हम कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं और थर्ड वन जहाँ पे भी दिस इज़ हाउ ये हमारे पास दूसरा मेथड है अब तीसरी जो शॉर्ट की है वो सबसे जो आसान और इजी जो हम यूज़ भी करते रहेंगे एंड दैट इज़ सिंपल ए एंटर आर्क की जिस तरह एल फॉर लाइन एंड ए फॉर आर्क तो आप अपनी नोटबुक जो है आपके पास उसमें इस कमांड को लिख लें प्लीज़ ए एंटर तो ये हमारे पास आर्क की कमांड है और ये भी जो है ये भी हमारी थ्री पॉइंट आर्क है बेसिकली तो जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो थ्री पॉइंट है अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आर्क की डिफरेंट और टाइप्स को भी थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि अगर थ्री पॉइंट्स के अलावा हमें कुछ कोई आर्क लगानी पड़ जाए किसी स्पेसिफिक एंगल के ऊपर किसी स्पेसिफिक रेडियस के ऊपर तो हम आर्क को कैसे ऑपरेट करते हैं बट अगेन कीप इन माइंड जहन में रखें सबसे ज़्यादा जब हम आगे इस्तेमाल करेंगे इस आर्क को हम, मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं ये मैंने लेफ़्ट सिलेक्शन करके इसको सेलेक्ट किया और इसको डिलीट किया अभी यहाँ पे जब हम बात करते हैं ड्रा में आए हम क्या तो हमारे पास ऑप्शंस हैं स्टार्ट सेंटर एंड स्टार्ट सेंटर एंगल स्टार्ट सेंटर लेंथ तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा अगर हम आर्क लगाना स्टार्ट करें और सेंटर और एंड पॉइंट तो हमको ये एक लाइन ड्रा कर लेते हैं सबसे पहले तो फिर हमारे लिए बहुत आसान होगा इन सारी कमांड्स को एग्जीक्यूट करना तो मैं वापस जाता हूँ और हम एक सिंपल कोई एक स्क्रीन के ऊपर लाइन जो है वो लाइन कमांड यूज़ करते हुए और एक आर्क हम यहाँ पे आर्थों को भी ऑन ऑन कर लेते हैं ताकि हमारी एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा हो जाए और हमने एंटर कर दिया अब हमारे लिए आसान हो जाएगा इस लाइन का स्टार्ट पॉइंट इस लाइन का मिड पॉइंट इस लाइन का एंड पॉइंट आइडेंटिफाई करना तो हम पहले चेक कर लें कि क्या हमारे ये पॉइंट्स ऑन भी हैं या नहीं है ताकि हमारे लिए आसानी हो तो इसके लिए हमने स्नैप सेटिंग्स के अंदर ऑब्जेक्ट स्नैप में हम गए तो यहाँ से हमने वेरीफाई कर लिया एंड मिड और सेंटर ऑलरेडी ऑन है बाकी भी हम चाहें तो इनको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं ओके okay, हम कर लेते हैं और हम ड्रा uh, के अंदर से जाके आर्क इनिशली हमने थ्री पॉइंट आर्क ड्रा की थी अब हम यहाँ पे स्टार्ट सेंटर और एंड को कर लेते हैं ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है अब हम इस पॉइंट को हमारा जो है ये हमारा सेंटर uh, पॉइंट है और ये हमारा एंड पॉइंट है तो ये हमने एक आर्क जो है वो ड्रा की है जिसमें हमने उसको कोई एंगल नहीं दिया कोई रेडियस नहीं दिया हमने सिर्फ तीन पॉइंट्स दिए हैं और इन तीन पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए एक सिंपल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये अगेन हम इस कमांड को ये पैन कमांड यूज़ हो रही है ये पैन कमांड भी आपने इस्तेमाल करना देखा था जब हमने पूरे ऑब्जेक्ट को मूव करना हो तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रा हो चुका है हम दोबारा इस सेम इसी को रिपीट कर लेते हैं आर्क के अंदर से स्टार्ट सेंटर और एंड तो ये हमारा स्टार्ट था अब हम इसका सेंटर अगर आप नोट करें तो 180 एटी का एंगल आ रहा है क्योंकि हम बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहे हैं हम कहीं इस इस वक्त नहीं जा रहे तो ये हमारा सेंटर और ये हमारा एंड पॉइंट तो ये हमारे पास एक आर्क जो है वो बन चुकी है जिसमें स्टार्ट सेंटर और एंड इसको हम यहाँ से एक मिनट अगर डिलीट कर दें और हम आर्थों को यहाँ से ऑफ करके स्टार्ट सेंटर और एंड की एक और लाइन भी लगा लेते हैं तो हम ये ये हमारा स्टार्ट है और ये सेंटर आ रहा है लेकिन हम सेंटर अगर कहीं और लेके जाना चाहें तो अब हुआ क्या है क्योंकि पहले तो एक्जैक्टली exactly हम लाइन को फॉलो कर रहे थे तो सेंटर पॉइंट खुद आ रहा था तो बिल्कुल आप स्मूथ उसने आर्क लगाई है और स्टार्ट और एंड को मिला दिया है अब इसमें क्योंकि हमने मिड पॉइंट ख़ुद से स्पेसिफाई किया है तो हमें नहीं पता था कि वो एंड कहाँ करे तो उसने एक और जगह जाके आपकी आर्क को थोड़ा सा और थोड़ी सी ऑड शेप उससे मुख्तलिफ और शायद उस जितनी अच्छी भी नहीं लग रही ये एक बहुत पैरल और स्मूथ किस्म की हमें जो है वो आर्क नज़र आ रही है अगेन हम इसको रिपीट कर लेते हैं हमने क्या किया आर्क में से स्टार्ट सेंटर और एंड में हमने स्टार्ट और सेंटर अपनी मर्जी का दिया अब जब हम सेंटर अपनी मर्जी का कहीं पर स्पेसिफाई करेंगे तो फिर एंड ये अपनी मर्जी का ही करेगा क्योंकि इसने दोनों के दरमियान एक बैलेंस रखना है अगर हमने ये यहाँ एंड किया है तो फिर आपकी एंडिंग पॉइंट तो ये हमारे पास एक आर्क की किस्म है तो मज़ीद जो है नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम मूव ऑन करते हैं अगली टाइप्स के ऊपर तो इस टॉपिक के अंदर हमने बेसिकली आर की इंपॉर्टेंस देखी कि आर हम क्यों लगाते हैं बहुत जगह पर हमें जरूरत पड़ती है हमने देखा डोर्स uh, लगाने में प्रोजेक्ट के अंदर हमने फर्दर देखा कि किन किन पॉइंट्स पे हमें आर्क की जरूरत पड़ेगी और फिर हमने आर्क को लगाने के डिफरेंट मैथड्स देखे क्या कि हम किस तरह uh, जो है वो ड्रा मैन्यू से या जो साइड टूल बार से या इवन शॉर्ट की जो हमने सिंपल ए एंटर करके आर्क एक्सेस करने के बाद फिर हमने देखा कि जब हम आर्क लगाते हैं तो बेसिक बुनियादी तौर पे हम थ्री पॉइंट आर्क जो हमारी बाय डिफॉल्ट लगती है जिसमें हम तीन पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं स्टार्ट सेंटर और एंड तो एक आर्क लग जाती है फिर हमने देखा कि स्टार्ट सेंटर और हम एंगल दे सकते हैं हम लेंथ दे सकते हैं सो so, डिफरेंट हमने वेज़ देखे और हम अनवर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम मजीद आर्क लगाने के जो और मैथड्स हैं उनको भी एक्सप्लोर करेंगे